भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। 78 गेंदों के भीतर ठोंक दिए 648 रन, जिसको देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की तहरी तहरी शतकीय पारी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, जो रोहित विराट न कर पाए, वो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव वो सुनामी बल्लेबाज हैं, वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक चट्टान हैं, जिसको देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर कप्तान रोहित शर्मा जब यहाँ पर श्रीलंका से 3 मैचों की ODI सीरीज हारे तो बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और बांग्लादेश की टीम यही कह रही थी जिस तरीके से आप लोग वहाँ से हार के आए हैं श्रीलंका से, उस तरीके से बांग्लादेश की टीम आप लोगों को हरा देगी। लेकिन शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को ये नहीं पता था कि सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज और रिंकू सिंह जैसी चट्टान अभी मैदान पर है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच फर्स्ट टी20 सीरीज के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दे दिया। बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा खुश हुई गेंदबाजी का नाम सुनते ही। साथ बांग्लादेश की टीम ने सोचा कि हम भारतीय टीम को 100-150 रनों पर ढेर कर देंगे, लेकिन शायद बांग्लादेश की टीम को यह नहीं पता था कि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। हिटमैन कप्तान तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मैदान पर कहर बरसा दिया। उससे पहले मैदान पर सबसे पहले ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के उतरे सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल। सुमन गिल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से एक कवर ड्राइव की ओर चौका और एक आसमानी गगन चुमती छक्का ठोक दिया और 10 रन बटोर लिए, तो वहीं दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगन चुमती छक्के की मदद से 14 रन समेट लिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान थे। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 2 गगन चुमती छक्के ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं सुमन गिल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा। सुमन गिल ने 4th ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 2 कवर ड्राइव चौके और 2 आसमानी गगन चुमती छक्के फिर ठोक दिए। सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब सुमन गिल 48 रन ठोक करके आउट हो गए। सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत से काफी ज्यादा भारतीय टीम को उम्मीदें थी, लेकिन 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर सिर्फ 4 रन ठोकर के ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और कैच आउट का सामना कर बैठे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान जिसने टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकेट कीपर बल्लेबाज जब ऋषभ पंत 4 रन ठोकर के आउट हुए तो यहां पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर के काफी बड़ा झटका लगा और 6वें ओवर की 4थी बॉल पर ये क्लिक बोल्ड हो गए। अब यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो यशस्वी जायसवाल ने 62 रन ठोक दिए थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो बल्लेबाज काफी खतरनाक और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है, यानी कि हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 7वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए, तो वहीं हार्दिक पांड्या का भी बल्ला मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हार्दिक पांड्या भी काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बनकर टूट पड़े थे। हार्दिक पांड्या की भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर आग लगा रही थी। हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगन चुंबती छक्का ठोक दिया, तो वहीं 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया, तो वहीं 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर
फिर एक गगनचुंबी शॉट खेलकर छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक सुनामी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर खत्म कर दिया और 9वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर एक अपना नया ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यहां पर कुछ गेंदबाज ऐसे थे बांग्लादेश के जो बार बार सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार सूर्य के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज भी देख करके हैरान रह गए। जब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आउट हुए 72 रन ठोक कर गए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसके पीछे विराट, रोहित, सचिन, धोनी और हर कोई बल्लेबाज है क्योंकि रिकॉर्ड बना है यहां पर रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह जितने छक्के और चौके ठोक चुके हैं अभी तक भारतीय टीम में किसी भी बल्लेबाज ने नहीं ठोके होंगे। रिंकू सिंह ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरसा रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। तो वहीं 13वें ओवर की 6 गेंदों पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। रिंकू सिंह और सूर्या को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां पर घातक से घातक विस्फोटक जो है खिलाड़ी हैरान थे। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा के भी पसीने छूट गए जब सूर्य कुमार यादव की दोहरी शतकी पारी देखी सिर्फ 14वें ओवर तक। और यहां पर 14वें ओवर तक दोहरी शतकी पारी खेल डाली तो वहीं 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे इन दोनों खूंखार विस्फोटक शेरों को आउट करने के लिए लेकिन इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर एक कवर ड्राइव चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिया। T20 के मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर था क्योंकि रिंकू सिंह जानते थे हमारी भारतीय टीम को श्रीलंका से ODI मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, अब हम इस बार बांग्लादेश टीम क्या कोई भी टीम हो उसको नहीं छोड़ेंगे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे तो धीरे धीरे वहीं आप सभी को बता दें 248 रन 19वें ओवर तक जाते आते रिंकू सिंह ने ठोक दिए और वहीं यहां पर 298 रनों की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेल डाली। 20वें ओवर तक जाते आते इन दोनों भूखे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इतना रन ठोक दिए कि बांग्लादेश की टीम को अगर दोबारा मौका मिल जाए खेलने का, बल्लेबाजी करने का, फिर भी इतने रन पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी खत्म नहीं हुई थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यही फुदक फुदक कर कह रहे थे कि अभी भी हम इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की ताबड़तोड़ गेंदबाजी अगर देखेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक टिकने ही नहीं दिया। बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दो खतरनाक विस्फोटक शेर जो काफी उत्तेजना में थे। सबसे पहला ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में पहले एक ओवर में शानदार तरीके से सिर्फ एक चौका दिया और यहां पर आप सभी को बता दें दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 चौके देकर के 8 रन देकर के चले आए। तो तीसरा ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव, काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने यहां पर
तीसरे ओवर में एक विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चौथा ओवर लेकर गए जसप्रीत बुमराह। काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। पांचवा ओवर लेकर गए रवि बिश्नोई। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने काफी ताबड़तोड़ तरीके से डटकर गेंदबाजी की और पांचवें ओवर में एक विकेट चटका दिया। पांचवें ओवर तक जाते थे बांग्लादेश के 2 विकेट चले गए और रन सिर्फ 36 ही बन पाए थे, लेकिन बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। जसप्रीत बुमराह के 1 ओवर में 4 छक्के, मोहम्मद सिराज के 1 ओवर में 3 छक्के, तो वहीं रवि बिश्नोई के 1 ओवर में 5 छक्के, तो वहीं कुलदीप यादव के ओवर में लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम को एक पल के लिए ऐसा लगा कि यहां पर भारतीय टीम को पहला T20 का मुकाबला हार का सामना करना पड़ जाएगा, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी फिरकी भरी गेंदबाजी से कमाल कर दिया और 15वें ओवर की 6 गेंदों पर उन दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर दिया। आप सभी को बता दें फिर ओवर लेकर गए 16वां तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक तरीके से 16वें ओवर में एक विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ गए जो ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। उनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी और तूफानी विस्फोटक अंदाज में वो छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने लगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज फिर से एक बार परेशान हो गए, लेकिन फिर हर्षदीप सिंह यहां पर 18वां ओवर लेकर गए और हर्षदीप सिंह ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने 19वें ओवर में एक विकेट चटका दिया, जहां पर 19वें ओवर की 4थी बॉल तक पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम के शेरों ने समेट लिया और भारतीय टीम ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और हर्षदीप सिंह ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए किसी ने 2 तो किसी ने 3 तो किसी ने 1 विकेट चटका दिया और भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को खदेड़ फेंका और पहला T20 सीरीज का मुकाबला अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्रिकेट से जुड़ी जानकारी और हाईलाइट वीडियो हमेशा इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।